तो यार आज के वीडियो में कुछ पढ़ाई वढ़ाई की बातें नहीं है। इस वक्त मैं अभी अलेक्जेंडर प्लास पे हूँ। यहीं पर 5 मिनट की दूरी पे मैं एक गवर्नमेंट के बिल्डिंग में आया था, बहुत अर्जेंट थी। घर से बाहर निकला हूँ ऑलमोस्ट 13 या 14 दिन के बाद, सब कुछ अलग लग रहा है। ये जगह मैं इस वक्त अभी अलेक्जेंडर प्लास पे हूँ, कभी इतना खाली नहीं देखा मैंने, कभी भी इतना खाली नहीं देखा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा नाम निखिलेश है, मैं जर्मनी में रहता हूँ पिछले काफ़ी साल से। ये बर्लिन का काफ़ी हॉटस्पॉट है। आप यहाँ नहीं आए मतलब आप बर्लिन नहीं आए, ये वैसी जगह है। खैर, कोरोना वायरस का सीन तो अभी आप लोगों को पता ही लग गया है। फेसबुक खोलो, सोशल मीडिया खोलो तो ये सब चल रहा है हर जगह। ऐसा देखा जाए तो चाइना, इटली और ईरान के बाद जर्मनी ऊपर आ रहा है। हर कोई यहाँ पर घर में बैठा है। मैंने सोचा यार रुक के 2 मिनट बात कर लूँ, घर की तरफ जा रहा था, मैंने सोचा यार वीडियो बना लूँ। अगर आपको देखना है कि वर्ल्ड में कोरोना वायरस के केसेस कितने चल रहे हैं हर कंट्री में, तो मैं फ़िलहाल अभी वर्ल्डोमीटर यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पर हर कंट्री का आपको नंबर दिख सकता है। फ़िलहाल अभी जर्मनी का सीन 20,000 पे चल रहा है। सब अलग लग रहा है यार, सब अलग लग रहा है यहाँ पर। अगर आप मेरे को इंडिया से देख रहे हो, आप फिलहाल अभी आप एक ही चीज़ कर सकते हो और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, वो है घर पर बैठना। आप जितना बाहर जाओगे उतना फैलेगा। इटली में एग्जैक्टली यही हुआ। जब ये चीज़ फैली, जब आउटब्रेक हुआ इटली में, लोगों को यही समझ में नहीं आया ये फ्लू है, और ये फ्लू करते करते पूरे यूरोप में ऐसा फैला है कि आज इटली का हाल आप जान नहीं रहे हो। जर्मनी से मैं आपको यही मैसेज भेज सकता हूँ यार, इंडिया में ये सब मत होने देना। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, प्लीज़ ये घर पे बैठ के मत छुप के बैठना कि लोग क्या बोलेंगे अगर मेरे को हो गया। अभी फ़िलहाल वो सब दिमाग में नहीं आना चाहिए। हर कोई एफर्ट्स डाल रहा है और गवर्नमेंट का साथ दो। फिलहाल यही एक टाइम है, गवर्नमेंट को साथ दो। कुछ लोग मैं देख रहा था सोशल मीडिया में मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी जी ने ताली बजाने बोला है, क्लैप करने बोला है। अरे यार, स्पेन में ना हर रात को लोग अपने विंडोज़ पे आके क्लैप कर रहे हैं ताकि लोगों का मोटिवेशन बना रहे। एम्बुलेंसेस हर जगह आगे पीछे हो रही है यहाँ पर। एनीवे, जो डॉक्टर्स और नर्सेस है ना, इनका मोटिवेशन बना रहना चाहिए यार, इनको अप्रिसिएशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसा आर्मी हमारे देश के लिए लड़ती है, ये जान बचा रहे हैं लोगों की, अपने फ्रंट लाइन पे खुद को रख के। ये भी नहीं कि मेरे पीछे परिवार है, जो वो बोल रहे हैं प्लीज़ इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, बिकॉज इंडिया में आउटब्रेक हुआ ना कोई नहीं बचा सकता। तो यार मैं आपको ना बहुत सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों करने बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों बोल रही है कि यार घर पे बैठो, आप कहीं पर भी मत निकलो, गवर्नमेंट कर्फ्यूज क्यों लगा रही है, इसका एक कारण है। बिकॉज ये वायरस ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, इसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। आप अगर घर पे नहीं बैठोगे तो देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे सफ़र आप तो करोगे, अपने फैमिली को तो कराओगे, अपने सोसाइटी, अपने सिटी, अपने पूरे देश में ये फैल जाएगा। आपने ये कर्व देखा होगा, लोग ये इसी की बात कर रहे हैं कि जो चेन है उसको ब्रेक कर दो। अब वो कौन सी चेन की बात कर रहे हैं, वो इसी चेन की बात कर रहे हैं। देखो, ये जो घर पे रहने का मकसद है, इसके पीछे एक और रीजन है। गवर्नमेंट चाहती है कि मेडिकल जो सिस्टम है उस पर असर ना गिरे। किसी भी हॉस्पिटल में लिमिटेड बेड्स होते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में लिमिटेड डॉक्टर्स होते हैं और नर्सेस होते हैं। अगर हॉस्पिटल से बढ़कर पेशेंट्स आ गए तो वो नहीं रख पाएंगे, यही एक रीजन है। मान लो ये हॉस्पिटल आपके एरिया में, इसमें काफी सारे बेड्स हैं। अभी जाके देखोगे आपके लोकल हॉस्पिटल में, कुछ लोग वहां पर पड़े होंगे अपना जो आई सर्जरी करा रहे हैं, कुछ लोग पे एक्सीडेंट हो गया, किसी का नी प्रॉब्लम है, किसी का लंग्स प्रॉब्लम है, सब चल रहा है जो रेगुलर हॉस्पिटल में चलता है। मान लो किसी का नी प्रॉब्लम था, ठीक है, घुटने का, वो ठीक होके वो बाहर निकलता है हॉस्पिटल के, अब वो अपनी रेगुलर लाइफ शुरू करता है, वो जाता है अपने ऑफिस जाता है, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता है, वो अपने मॉल जाता है घर के नियरेस्ट वाला, वो अपने कुछ दोस्तों से मिलता है, किसी की बर्थडे पार्टी होती है, तो उसकी लाइफ कंटिन्यू होती है। आगे बढ़ते हैं, मान लो इस बंदे का जिसका नींव का प्रॉब्लम था, इसको एक नाम दे देते हैं, इसका नाम है दीपक। क्या होता है कि दीपक ना ऑफिस जाता है। अब ऑफिस में तुम्हें पता है माहौल अभी गर्मा गर्म है, खराब है पूरा, ठीक है, आपको नहीं पता कि किसको कोरोना वायरस है नहीं, तो वहां पर है ना वो 4-5 लोगों को मिलता है, उसके जो टीम मेंबर्स है। अब उनमें से एक मेंबर को ना कोरोना है, बट कोरोना वायरस उन्हीं लोगों को असर करता है जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है। दीपक जाता है और इसके एक टीम मेंबर को है, तो दीपक को भी हो जाता है, बट अभी दीपक को असर हुआ नहीं है। दीपक अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है, ऑफिस से वो जाता है, एक दिन संडे को डिसाइड करता है मैं क्रिकेट देखने जाऊंगा, स्टेडियम में पहुंचता है, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है, वहां पर दीपक अपने आजू बाजू वालों को दे देता है, ठीक है, क्योंकि दीपक को हुआ है बट अभी पता नहीं चल रहा है। उन 4 या 5 में से जिसको दीपक ने इन्फेक्ट किया, उसमें से एक बुजुर्ग है, उनका सिस्टम तो वीक है, उनको सिम्टम्स दिखने लगेंगे, अब वो कहां जाएंगे, वो इसी हॉस्पिटल में जाएंगे। यही चीज
आगे कंटिन्यू होती है। दीपक अपनी लाइफ कंटिन्यू रखता है, वो जाता है फिर से ऑफिस, ट्रेन में जाता है, वो बसेस में जाता है। अगर यही चीज कंटिन्यू होती रही जब तक दीपक को पता चले कि उसको कुछ है या उसके सिम्टम्स है, उसको सांस लेने में या खांसी आ रही है या बुखार हो रहा है, जब तक वो सब दीपक को नहीं पता चलेगा तब तक ऐसे बुजुर्ग लोग जो यहाँ आ रहे हैं ये चीज तो भरते जाएगी, ये चीज भरते जाएगी। दीपक ने और दो लोगों को भी तो इन्फेक्ट किया है जो यंग लोग हैं, उनको अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी यही प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर यही चलता रहा तो लोग हॉस्पिटल के बाहर आने लगेंगे और हॉस्पिटल में उतनी बेड्स नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल की एक लिमिट होती है। अब यही चीज, ये जो कर्व बन रहा है इसी को फ्लैट करना है। और इसकी खराब बात क्या है बताया गया इस पूरे प्रोसेस की, कि जितने लोग जितने पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल में कोरोना का टेस्ट करवाने या इसकी ट्रीटमेंट करवाने, इसके अलावा भी जिसको और भी प्रॉब्लम होगी उनको जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज कोरोना के पेशेंट्स ही इतने ज़्यादा है कि किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अगर बैक प्रॉब्लम हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर्स सर्व नहीं कर पाएंगे आपको। डॉक्टर्स आप यहीं बाहर पड़े रहोगे हॉस्पिटल के, बिकॉज पेशेंट्स की लाइन ही इतनी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन आता है यार इसको फ्लैट कैसे करें। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इसलिए बोल रही है आप वो दीपक बन के मत घूमो बाहर, आप क्रिकेट देखने मत जाओ, बहुत सारे ऑफिसेस कितने बड़े बड़े कंपनीज ने बोल दिया घर पे बैठ के काम करो, आपको ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाना है अगर अर्जेंट है, मतलब खाने पीने की जगह है तो यार ऑब्वियसली उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई मना भी नहीं कर रहा है। जर्मनी में भी गवर्नमेंट ने एक चीज बहुत मेक श्योर करके रखी है कि आपको सुपरमार्केट खुले हुए हैं और मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं अगर आपको किसी भी दवाई की जरूरत है तो, बाकी के सारे जगहों पे इन्होंने बैन लगा दिया है। अभी बैन लगा नहीं है, वो दिख रहा है मेरे को आ रहा है कि कर्फ्यू लग जाएगा। म्यूनिक साउथ जर्मनी में तो उन्होंने पक्का लगा ही दिया है, कोई बाहर निकलेगा तो उसको 3 साल की जेल डाल देंगे या तो 25,000 यूरो का फाइन लगेगा। ये करना बहुत जरूरी है, कर्फ्यू लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉकडाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार इमीडिएट सवाल आता है कि इस चीज को हम फ्लैट कैसे करें, इसका दबाव कैसे कम करा जाए। आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो ये दो चीज है, इस पे लिखा है मैंने ये वो लोग हैं जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, ये वो लोग हैं, NIP लिखा है मैंने, नॉट इन्फेक्टेड पीपल। ये हमारा सोसाइटी अब लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, अपनी रेगुलर लाइफ चला रहे हैं, ठीक है, और ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं या इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब सीन ऐसा है कि अगर ये जो सोसाइटी, ये जो पार्ट है सोसाइटी का, अगर ये टिल्ट होने लगा तभी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? अगर इनको इन्फेक्शन होने लगा और ये लोग इसमें भरते गए, इन्फेक्ट होते गए, आप बाहर जा रहे हो, आप अपनी रेगुलर लाइफ चला रहे हो, बहुत कम लोग बचे हैं जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। हमारा गोल ये है इस ग्लास को टेढ़ा नहीं होने देना है, हमारा गोल ये है कि हमारा जो मेन सोसाइटी है जो हेल्दी रहना पसंद करता है, जो हेल्दी है, अगर वो लोग बाहर जाएंगे इन्फेक्शन लेके आएंगे और इससे का इन्फेक्शन का कैपेसिटी भर रहा है। बट ये जो इन्फेक्शन जिसको हुआ है इसमें से रिकवरी भी हो रही है सोसाइटी में, बट ये रिकवरी स्लो हो रही है। हमारा गोल क्या है पता है, ये जो इन्फेक्शन वाला जो सेक्शन है इसको हम ख़त्म करें। ये जब ग्लास ख़त्म हो जाएगा तो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, ह्यूमंस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बात रही इसकी, फिर से इसको हमें सीधा रखना है, आप बाहर मत निकलो, ये ग्लास को हमें टिल्ट होने नहीं देना, ये जो हमारा सोसाइटी है इसको हमें गिरने नहीं देना, ये तभी गिरेगा बिकॉज अब जब बाहर जाओगे, इसको स्ट्रेट रखना है, तो आप प्लीज़ बाहर मत निकलो।